गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टूडेज क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 4 अकाउंटिंग प्रोसेस और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस को हमने स्टडी कर लिया है, आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए जो है कौन कौन से हमारे पास आधार होते हैं। अकाउंटिंग के लिए हम दो आधार जो है मेन माने गए हैं। सबसे पहले है कैश बेसिस, सेकेंड है हमारे पास एक्चुअल बेसिस। सबसे पहले हम जानते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का नगदी आधार। नाम से स्पष्ट है नगद, तो यहाँ क्या होगा, जो भी इनकम और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जिनके बदले अगर हमने नगद रुपया या तो हमें प्राप्त हो गया है या हमने भुगतान कर दिया है। अगर इनकम है तो हमें क्या है, उसके लिए नगद प्राप्त होना चाहिए, और अगर हमारा एक्सपेंस है तो उसके लिए हमने नगद रुपये पे कर दिए हों, तभी हम उस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सिंपल सा मतलब है जो भी इनकम्स है जो भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें के लिए किसको आधार माना जाएगा, नगद को। जब वो नगद में प्राप्त हो गई हो, नगद में भुगतान कर दिए गए हो, तभी जो है ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग बुक्स में की जाएगी। इस ये जो आधार है इसके हमारे पास कुछ एडवांटेजेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेज होते हैं। एडवांटेजेज कौन कौन से हैं, इसके लिए कौन कौन से हमारे पास जो है लाभ हैं। सबसे पहले जो कैश बेसिस है वो क्या है, सिंपल है और वास्तविक है, क्योंकि इससे क्या होता है कुछ व्यक्ति जो है कंजर्वेटिव होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, उनकी रूढ़िवादी प्रवृत्ति होती है। कैश बेसिस से क्या है, इनकी रूढ़िवादी प्रवृत्ति को जो है शांत करता है, उन्हें सेटिस्फाई करता है। इट डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। इस आधार में जो है अनुमानों और व्यक्तिगत निर्णयों के प्रयोग करने की आवश्यकता जो है नहीं होती, अनुमान हमें नहीं लगाना पड़ता, ना ही जो पर्सनल जजमेंट है उसको ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन किस बेस पे हो रहा है, नकदी के बेस पे। ठीक है, इट इज़ सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। कौन से एंटरप्राइजेज के लिए, कौन सी संस्थाओं के लिए अच्छी है ये, जहाँ जो ट्रांजेक्शन है ज़्यादातर कैश में होते हैं। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, ये जो है हमारी लाभ हानि जो खाता होता है और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अच्छे से यानी कि सही चित्र उसका प्रस्तुत नहीं करता। ये जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम्स, इनकम रिसीव्ड एडवांस, इन सभी को क्या करता है, इग्नोर करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो कि अभी तक पे नहीं किए गए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जिनके लिए हमने एडवांस में पैसा पे कर दिया है। एक्यूड इनकम यानी कि जो इनकम अर्जित तो हो गई है लेकिन इसके बदले प्राप्त हमें पैसा जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम अभी तक जो है एक्यूर नहीं है लेकिन पैसा जो है पहले ही प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ हम इग्नोर करते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड है हमारे पास ये लेखांकन की जो मैचिंग प्रिंसिपल होती है उसका पालन नहीं करता है। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पालन इसका नहीं होता है। थर्ड है देर इज़ ए ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज पेमेंट्स में आइदर बी डिलेड और मेड अर्ली एंड सिमिलरली इनकम्स में भी पोस्टपोनड वोर कलेक्टेड। नकदी आधार में जो है लाभों में हेरा फेरी की काफ़ी संभावना होती है। क्यों होती है, क्योंकि भुगतान जो है या तो देरी से किए जा सकते हैं, शीघ्र किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो आय है वो या तो हमें देरी से प्राप्त की जा सकती है या जो जल्दी प्राप्त हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आय होती है वो जल्दी भी प्राप्त हो सकती है और देर से भी प्राप्त हो सकती है। जब वो प्राप्त होगी हम तो तभी रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या है हमारे फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अच्छे से हम शो नहीं कर पाएंगे। आगे हमारे पास फोर्थ, नकदी आधार में क्योंकि पूंजीगत एवं आयगत मदों में अंतर नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो है जो भी हमारी पूंजीगत होती हैं और आयगत मदें होती हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, इनमें अंतर नहीं कर सकते। फोर्थ है कंपनीज एक्ट 2030 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। कंपनी अधिनियम 1956 जो है इसे मान्यता प्रदान नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअल बेसिस जन के लेखांकन का उपार्जन आधार। इस आधार में हम क्या मानते हैं कि आयों का जो लेखांकन है उनके अर्जित होते ही कर दिया जाता है, चाहे जो है उसके लिए हमें नकदी प्राप्त हुई हो या ना हुई हो। ठीक है, क्या माना जाता है कि जब वो आय है एक्यूर हो गई है यानी कि अर्जित हो गई है, चाहे हमें उसके बदले नकद रुपया प्राप्त ना हुआ हो
तो क्या उसे हम अपने ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में जो है रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स ऑफ पीरियड। जैसे कि हमने सेल की, ठीक है, हमने उधार सेल की है, तो ये क्या हम टोटल सेल में इंक्लूड करेंगे। अगर हम इसे मानते तो हम टोटल सेल में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उधार बेची है, यहाँ हम तो ओनली नगद को ही रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ क्या है कि जब वो ट्रांजैक्शन हो गई है, चाहे उसके बदले नगद पैसा प्राप्त ना हुआ हो, तो भी हम उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। किस बेस पे? एक्यूरल बेस पे, क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन है वो हो गई है। इसी प्रकार से अगर कोई एक्सपेंसेस हैं, वो कब हम डालेंगे अपने ट्रांजैक्शन में, जब वो एक्योर हो गए, जब वो इनक्योर हो गए हैं, वो एक्सपेंसेस हो गए हैं, चाहे उसके बदले में हमने अभी तक नगद पैसा भुगतान ना किया हो, ठीक है। जैसे कि रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड बट नॉट पेड विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर द पीरियड व्हेन इट इज़ ड्यू एंड नॉट इन द पीरियड व्हेन इट इज़ पेड। जैसे कि किसी बिल्डिंग का किराया है, वो हम कब मानेंगे, ड्यू हो गया वो, मान लीजिए अप्रैल महीने का हमारा किराया है, ठीक है, अप्रैल का किराया था लेकिन हमने अभी दिया नहीं है, हमने अभी तक पे नहीं किया, तो हम क्या है इसे अपने ट्रांजैक्शन में जो है शामिल करेंगे, हम अपनी पुस्तकों में इसे लिखेंगे क्योंकि ये ड्यू हो गया, चाहे हमने इसके लिए नगद अभी तक ना दिया हो। एक्यूरल बेसिस यही कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उनको उनके एक्यूरल आधार पर जो है हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, चाहे उनके बदले हमें नकदी प्राप्त हुई हो या ना हुई हो। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये जो है हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमें सही सही बताता है, क्योंकि इसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सभी को हमें शामिल करते हैं। इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये क्या करता है, जो लेखांकन का जो मिलान सिद्धांत है उसका पालन करता है। देर इज कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स इन एक्यूरल बेसिस बिकॉज इट मेक्स ए डिस्टिंक्ट बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उपार्जन आधार जो है विभिन्न वर्षों की लाभ हानि की गणना में एकरूपता बनाता है, क्योंकि इस आधार पर पूंजीगत व्ययों, जो भी हमारे पूंजीगत व्यय है, जो आयगत व्यय है, उनमें हम आसानी से अंतर कर सकते हैं। इसे जो है कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा जो है मान्यता प्रदान, कंपनी अधिनियम पहले 1956 होता था, अब जो है इसे संशोधित करके क्या बना दिया गया, 2013। तो ये जो कंपनी एक्ट है ये इसे क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। इसके भी हमारे पास कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज जरूर होंगे। क्या है इसके दोस्त, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो है जिस प्रकार कैश अकाउंटिंग सिंपल है, लेकिन ये क्या है उसकी तरह सिंपल नहीं है। इट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट, इसमें क्या है अनुमानों और व्यक्तिगत निर्णयों का जो हमें प्रयोग करना पड़ता है। जो हमारे कैश बेसिस के एडवांटेजेस थे वो क्या हमारे एक्यूरल बेसिस के डिसएडवांटेजेस हैं, और जो कैश बेसिस के डिसएडवांटेज होते हैं वो हमारे क्या हैं, एक्यूरल बेसिस के एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये आपको एक बार स्टडी करना है। आगे होते हैं हमारे पास हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस। इसमें क्या करते हैं हम कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस दोनों को क्या मिक्सअप यूज़ करते हैं, दोनों को मिलाकर जो है हम अपने जो खाते हैं वो तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें दोनों जो बेसिस हैं उनको मिक्सअप यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, जहाँ केवल लेन देनों को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब उनके लिए कैश या प्राप्त हो गया हो या हमने पे कर दिया हो। एक्यूरल बेसिस में क्या है, सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे उनके बदले में हमें नगद प्राप्त हुए हो या ना हो, वो क्या होने चाहिए, एक्यूर होने चाहिए, ठीक है। थैंक्स।